ये गौरी की मम्मी है और ये पता नहीं क्या हो गया इसको, गोल गोल घूम रही है। और ना इधर नाली है, देखो नाली के अंदर घुस रही है सब, खुद को सारी इसने मिट्टी लगा ली है। और ये नाली के अंदर देखो कितना घुस रही है, नाली के अंदर पता नहीं क्या ढूंढ रही है, क्या हो गया इसको। ये देखो कितना अंदर घुस जाएगी अभी, ये देखो, ये देखो आप, ये देखो खाली पूछ पूछ नज़र आ रही है अब उसकी। और ये नाली के अंदर पूरा घुस गई है, नाली के अंदर उसके नीचे पता नहीं क्या चीज़ है, ये नाली के अंदर घुस घुस के खोद रही है मिट्टी। ये देखो, देख रहे हो आप, ये रही, ये सफ़ेद रंग का बच्चा ये नाली के अंदर घुस के जगह, ये देखो फिर बाहर आ गई। अब ये फिर घूमेगी, ये फिर उधर चली गई, देखो ये रही, ये रही, देखो इस पे हाथों पे भी सारी इसकी मिट्टी मिट्टी लग गई है। पता नहीं क्या ये सोचते हैं, क्या ये करते हैं, इंसानों की तरह जुगाड़ करते हैं। और ये नाली के अंदर खोद रही है, बहुत देर से खोद रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका वीडियो बना के आपको दिखाऊं। तो इसीलिए आपसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी किसी को ना जज मत किया करो। पता नहीं कौन कैसे माइंडसेट से गुजर रहा है, कौन कितनी तकलीफ़ में है, ये हम नहीं किसी के बारे में कह सकते। तो इसीलिए कभी भी किसी के बारे में कुछ भी सोचने या करने से पहले ना सोच लिया करो कि पता नहीं वो कितना परेशान है, कितना वो दुखी है। इसी तरह से ये लोग भी परेशान होते हैं, इन्हें सड़क पे रहना होता है। ये देखो कितनी मिट्टी मिट्टी अंदर आ गई अब ये देखो। और नीचे का गेट खुला हुआ है ग्राउंड फ्लोर का, गौरी उधर सो रहा है, वो देखो गौरी सो रहा है, गौरी इसको वॉच कर रहा है अपनी मम्मी को कि मम्मी को हो क्या गया। ये देखो गौरी धूप में, और बेटी इधर अंदर की तरफ आ गई है। तो कभी भी किसी को हर्ट मत करो और ना ही किसी को ऐसे जज करो। कोशिश यही करो कि उसको सपोर्ट करो। आपके पास बुद्धि है तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, अच्छे काम करो। 24 घंटे में एक काम तो अच्छा करो। सबसे बढ़िया है किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के बारे में गलत मत सोचो। ये देखो वो चली गई बाहर, गेरी, ये देखो परेशान हो रही है, पता नहीं क्यों परेशान हो रही है। ज़िंदगी जीना आसान नहीं है, इंसानों के लिए ज़िंदगी जीना इतना मुश्किल है तो डॉग्स के लिए कितना मुश्किल होगा। ये देखो कितनी परेशान हो रही है, सारे इसके हाथों में भी मिट्टी लग गई है। और ये देखो गौरी से भी डर जाती है ये, ये देखो पता नहीं इसको हुआ क्या, समझ नहीं आ रहा। और ये देखो गौरी पानी पी रहा है, ये देखो ये इनकी लाइफ है, कितना गंदा पानी पी रहा है वो। कोई भी, मैं पानी भर के रखती हूँ रात को और अगले दिन डब्बे में पानी ख़त्म हो जाता है, तो कोई भी ये नहीं करता कि डब्बे में पानी भर दे। देखिए डब्बा भी रखा हुआ है लेकिन कोई उसमें पानी नहीं डालता। लोगों को ये है कि हमारे घर के बाहर इनके गंदे डब्बे नहीं होने चाहिए। डब्बे गंदे नहीं होते, मैं तो आसपास कहीं भी डब्बे दिखाई देते हैं किसी के भी घर के बाहर, तो मैं उन डब्बों को धो करके उसमें पानी भर के रख देती हूँ कि भी बच्चों को कम से कम पानी तो मिल जाए पीने के लिए। तो लोग क्या करते हैं, वो पानी भी नहीं भर के रखने देते। ये देखो किस तरह से गौरी उसको चेक कर रहा है कि क्या हो गया है, ये नाली में क्यों घुसी हुई थी, क्या हुआ है। उसने सारे अपने हाथ भी गंदे कर लिए हैं बेटी ने, पता नहीं क्या उसके मन में आ रहा है, क्या वो सोच रही है। ये देखो अरे वो फिर भागी, ये रही ये गाड़ी के पीछे, ये आ गई, ये देखो गाड़ी के पीछे से, ये रही, ये देखो ये रही गौरी, ये बेटी है, इसका नाम ही बेटी रखा हुआ है हमने, है ये पूरी वाइट कलर की। लेकिन ये देखो छेक में से अंदर चली गई ना, ये देखो अंदर चली गई छेक में से। समझदार बच्चे हैं तो इनको सपोर्ट करो। और अगर सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इंसान लोग, इंसान अगर डॉग्स को डेली खाना डाल देते, रोटी सबके घर में बनती है, अगर वो डेली अपने आसपास डॉग्स को खाना देते तो शायद ये जो एनजीओ वगैरह डॉग्स के खुले हुए हैं उनकी केयर के लिए, तो वो ना खुलते। लोग एक्सीडेंट कर देते हैं डॉग्स का, मार के भाग जाते हैं, इसी वजह से ये एनजीओ खुले हैं डॉग्स की, क्योंकि लोग सड़क पे मरने के लिए छोड़ देते हैं
तो वो एनजीओ वाले उनको सपोर्ट करते हैं। अगर उन्होंने ऐसा ना किया होता तो आज एनजीओ ना होते। सब लोग अगर अपने आसपास सबके घर के आसपास डॉग होते हैं उन सब की अगर सब लोग केयर करेंगे तो ये अनाथ आश्रम बंद हो जाएंगे। अगर आप हेल्प करेंगे, एक तो एक्सीडेंट मत करो किसी का भी, किसी को चोट मत पहुंचाओ, जल्दी तेज़ी से गाड़ी मत चलाओ, और खाना दो इनको। खाना मिलेगा तो ये क्यों एनजीओ में भटकेंगे, वहीं पर ही रहने दो, क्योंकि सड़क ही इनका घर है। लोग सड़क से हटा देते हैं, हमारे घर के बाहर गंदा नहीं होना चाहिए। अरे आपके मन तो साफ़ करो, आपका मन ही गंदा है, घर के बाहर सफाई रख के क्या होगा, आपका मन गंदा है ना। अहंकार है, मैं है, मैं ही मैं हूँ, ऐसे करके मत सोचो, अहंकार को दूर करो। राम मंदिर बन गया लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, अभी भी लोगों का घमंड इतना ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर घमंड है, तो प्लीज़ इससे दूर रहें और कोशिश करें मेरी बात को समझने की। मेरे वीडियो बनाने का यही मकसद है कि सबको डॉग्स के प्रति प्रेम जागृत हो। थैंक यू।